राजनांदगांव के डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू ने एक ऐसा काम किया है जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है और बीजेपी कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दरअसल विधायक साहब ने स्वेच्छा अनुदान की राशि अपनी पत्नी की संस्था और कुछ संपन्न लोगों को दे दी, जिसके बाद विपक्ष ने वॉलंटरी ग्रांट के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा कि विधायक ने राशि की बंदरबांट की है, भ्रष्टाचार कांग्रेस के खून में है, ये कोई नया काम नहीं है। ये कोई अभी की बात और कांग्रेस के लिए कोई नई बात है क्या? ये तो इनके रक्त में शामिल है। भ्रष्टाचार रक्त में शामिल कौन वाद प्रतिवाद करे, अखबारों में पढ़े सुर्खियां कौन समय बर्बाद करे। अब तो कांग्रेस की भ्रष्टाचार की अत्याचार की बात होती है तो आदमी पेज को पलट देता है, ये तो इनके रक्त में है करके। तो ये तो मैं तो आने के बाद सुना देखा और ये जो किया है ये गलत है और किसी भी जनप्रतिनिधि को मुखिया को इस प्रकार का नहीं होता कि अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे, ये तो गलत है। दरअसल दिलेश्वर साहू ने अपनी पत्नी की संस्था सृजन फाउंडेशन को 5 लाख रुपए स्वेच्छा अनुदान से दिए हैं। यही नहीं, विधायक ने ऐसे लोगों को भी स्वेच्छा अनुदान की राशि हजारों और लाखों रुपए में दी है जिनके पास कई एकड़ जमीन है, जिसकी सूची सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसमें हड़कंप मचा हुआ है। जहां बीजेपी कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, वहीं कांग्रेस बचाव के मूड में नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने तो मामले की जानकारी होने से ही मना कर दिया है। देखिए, मुझे तो जानकारी नहीं, कल मैं अपने क्षेत्र में था और रात को मैं डोंगरगढ़ रुका और सुबह मैं पांधी कुपार लिंगो जो कछारगढ़ में है, हमारे गुणों की जो धर्म गुरु है वहाँ आस्था है, उसमें दर्शन करने गया था। सुबह आने के बाद माई जी के दर्शन करने के बाद आज आया हूँ, तो मुझे उसके बारे में जानकारी है, कुछ जानकारी होगा तभी मैं कुछ कह पाऊँगा। गौर करने वाली बात है कि डोंगरगांव विधायक ने स्वेच्छा अनुदान की राशि ज्यादातर अपने करीबियों और कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोगों को दी है। जाहिर है आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर रहने वाली है, क्योंकि जहां सूबे के मुख्यमंत्री गरीब के हित की बात करते हैं, वहीं अगर उनके विधायक ऐसा कृत्य करेंगे तो सवाल उठने तो लाजमी है। पंजाब केसरी के लिए राजनांदगांव से बसंत शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।